कुछ ही कंपनियां अपने ब्रांड के प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी और दशकों तक वफादारी का डंका पीट सकती है। स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रही और उसका पर्याय बन चुकी हमदर्द भारतीय चेतना का अहम हिस्सा है। हमदर्द इंडिया के उत्पाद जैसे सिंकारा, साफी, रोगन बादाम, श्रीन, सॉलिन एंड जोशीना समेत तमाम उत्पादों पर करोड़ों भारतीय न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि दूसरों को इसके इस्तेमाल की सलाह भी देते हैं। और क्यों ना हो, आखिरकार इसके नाम हमदर्द में ही इसकी सच्चाई छिपी है, जिसका उर्दू में मतलब होता है दुख का साथी। एक शानदार विरासत, स्वास्थ्य, नए शोध और सहज अच्छाई की प्राचीन और आधुनिक का अनोखा संगम। हमदर्द इंडिया सदियों पुरानी चिकित्सा प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभा रहा है, जिसकी पुष्टि देश की चारों दिशाओं से लोग कर रहे हैं। इस कंपनी की शुरुआत सन 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने दिल्ली में हमदर्द दवाखाना के रूप में की। लाल कुआं स्थित इस कंपनी ने यूनानी चिकित्सा प्रणाली और यूनानी अरब शैली की अनूठी धरोहर की स्थापना की। ये सब तब हो रहा था जब भारत में पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली पूरी तरह से रच बस गई थी। कंपनी के संस्थापक की असमय मृत्यु ने कंपनी के विकास पर कोई असर नहीं डाला और उसकी अगली पीढ़ी को तैयार करा गया। आज इस कंपनी की कमान इस परिवार के तीसरी पीढ़ी के अब्दुल मजीद ने संभाली हुई है। हमारी लेगेसी जो है वो 1906 से है एंड इट स्टार्टेड एट अ स्मॉल ड्रग शॉप सेलिंग हर्बल क्रूड ड्रग्स एंड मेडिसिंस एंड हम लोग शुरू से यूनानी बेस्ड हैं एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर हु स्टार्टेड दिस स्मॉल बिजनेस हिज नेम वाज आल्सो अब्दुल मजीद एंड तो उनका कॉन्सेप्ट यही था कि यू नो ही वांटेड टू रिवाइव द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी जो है वो ग्रीस से आया था, ग्रीक एम्पायर जब डिसमिनेट हुआ तो इसको अरब्स ने अडॉप्ट किया और उसके बाद इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर इट हैज where it has again reflourished and survived. यूनानी तिब जैसी प्राचीन शैली को लगातार आधुनिक रूप से प्रासंगिक बनाते हुए प्रस्तुत करने की कोशिश ने ही हमदर्द को स्वास्थ्य एवं वेलनेस के संस्थान के रूप में उभरने में मदद करी है। यूनानी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ आयुष ऑल्सो। पद्धति वही एंशंट वाली है जैसे आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा का वो है, उसी तरह से यूनानी का भी है जैसे इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन हर्बल ड्रग्स। बेसिक हमारे पद्धति में या यूनानी में और जो बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो फ़र्क है या जो बुनियादी फ़र्क है वो है टेम्परमेंट का, टेम्परमेंट आदमी का, जैसे तासीर जिसको हम कहते हैं, यू नो, ठंडा या गर्म। आपस में जुड़े चिकित्सीय तंत्रों की इतनी गहरी जानकारी ने ही हमदर्द को ये काबिलियत दी कि वो 600 प्राकृतिक और जड़ी बूटी आधारित उत्पादों का एक पोर्टफोलियो बना सकें। साथ ही कंपनी ने हमेशा गुणवत्ता के मामले में अपने स्तर बहुत ऊंचे रखे हैं और ये उनके उत्पादों में दिखाई देता है, जिससे हर भारतीय वाकिफ है। सिंकारा बहुत हमारा एक फेमस प्रोडक्ट है और साफ़ी जो ब्लड प्योरीफायर है वो एक हमारा बहुत फेमस प्रोडक्ट है। जोशीना है, स्वालीन है, दीज आर कॉफ रिलेटेड मेडिसिंस। इसी तरह से रोगन बादाम शीनी है विच इज़ अ प्योर आमंड ऑयल विच यू नो जिसको जिस मार्केट को ऊपर वाले की कृपा से हम लोग लीड करते हैं। सो आई बिलीव दैट ऑल दीज सेगमेंट्स जो हैं, दीज वेल नोन ब्रांड्स क्रिएटेड बाय आर फाउंडर दैट इज़ माई ग्रैंड फादर हकीम अब्दुल हमीद, बिकॉज ही वॉज अ फिजिशियन हिमसेल्फ एंड वो बहुत सारे पेशेंट, उन्होंने करोड़ों पेशेंट देखे एंड ही नेवर चार्ज एनी मनी। इतने सारे लोगों को देखने के बाद और इस सिस्टम को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के बाद आई बिलीव कि उनको इतनी इंसाइट हो गई थी कि इन प्रोडक्ट्स को जब उन्होंने यू नो फॉर्मुलेट किया और इनके फॉर्मूलाज को यू नो रीजगल अप करके या रीइन्वेंट करके इसको बनाया तो दीज प्रोडक्ट्स केम आउट टू बी वेरी वेल बिकॉज आई थिंक He was in direct touch with the consumer and the patients. स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण के प्रति हमदर्द इंडिया की निष्ठा और जज्बा भारत के लोगों के उनके उत्पादों के प्रति जुड़ाव से दिखता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हकीम साहब के साथ, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के साथ 5 साल काम करने का मौका मिला बिफोर ही लेफ्ट अस इन 1999। सो
मैंने उनसे बहुत इंसाइट्स लेने की कोशिश करी एंड आई यूज्ड टू सी हाउ ही वर्क्स, उनकी लॉजिक क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है. आई ऑल्सो सॉ माई फादर मिस्टर अब्दुल मुईद वर्किंग एज चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी एट दैट टाइम बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन. सो मैंने उन्होंने हमेशा ये कहा कि उन्होंने मुझे दो चीज़ें मैंने उन लोगों से इम्बाइब करी. पहली बात तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को कभी धोखा देने की कोशिश मत करना. एंड जैसे हम लोगों का हर रिलीजन का मानना होता है कि नियत में कभी भी डगमगाना नहीं. हमने कोशिश ये करके अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करा है, एनालिटिकल पैरामीटर्स सही करें. दूसरा, क्वालिटी पे एम्फेसिस इतना रखा कि अगर हमें कोई जड़ी बूटी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं मिलती तो हम वो दवा बनाते ही नहीं हैं. यानी ऐसा नहीं कि हमें मार्केट में दवा देनी है तो हम वो जो भी चीज़ मिलेगी बना के भेज देंगे मार्केट में. हमने कभी भी ये नहीं किया. आज हमदर्द इंडिया स्वास्थ्य और वेलनेस में 100 साल से ज्यादा की अपनी विरासत के आधार पर अगले दशक में विकास की एक नई यात्रा की ओर बहुत उम्मीद से देख रहा है. आगे की स्ट्रेटजीज ये हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेस कराई हैं अभी एंड वी आर ट्राइंग टू रीच टू हकीम्स एंड वेल्स थ्रू आउट इंडिया. तो वी आर ट्राइंग टू मूव टू देम, गेट देम ऑन अ टेबल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एंड और या उनकी विजन में इस पद्धति का फ्यूचर क्या है. ऐसा मुझे लगता है कि हम जब ये कनेक्ट पूरा इस्टेब्लिश कर लेंगे तो उसके बाद एक नेक्स्ट 20 ईयर्स की एक स्ट्रेटजी आपके पास तैयार होगी कि हमें इस पद्धति को कैसे आगे लेके बढ़ना है. परंपरागत दवाई से हमें अंदर से ठीक करने वाला दुख का हमारा साथी हम दर्द एक शक्तिशाली ब्रांड है. एक ऐसा ब्रांड जो गुणवत्ता, काबिलियत और निष्ठा का प्रतीक है. एक ऐसी ऊंची सोच जो कारगर अमल पर टिकी है.